हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 तक की अलग अलग तिथि को होगी काउंसलिंग। पहले जो शेड्यूल आया था उसमें संशोधन होगा दूसरा राउंड के शेड्यूल में, क्योंकि उसमें 1 to 5 और 6 to 8 दोनों क्लियर नहीं किया गया था कि अलग अलग दिन है, तो अब उसका संशोधित शेड्यूल जारी होगा। शिक्षा विभाग छठे चरण में के प्राथमिक नियोजन के लिए अगस्त के प्रथम सप्ताह में शुरू होने जा रही काउंसलिंग के दूसरे राउंड के लिए संशोधित शेड्यूल जारी करने जा रहा है। इस शेड्यूल के तहत वर्ग 6 से 8 तक के लिए अलग तिथि और वर्ग 1 से 5 के लिए अलग तिथि तय की जाएगी। वर्तमान में 2 से 9 अगस्त के बीच साझा काउंसलिंग कराने का शेड्यूल घोषित किया गया था। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन मीटिंग के दौरान लिया। दरअसल शिक्षा पदाधिकारियों ने कहा कि इससे पारदर्शितापूर्ण काउंसलिंग कराने में आसानी होगी। प्राथमिक निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस वर्चुअल मीटिंग में अधिकतर जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने आग्रह किया कि सामाजिक विज्ञान के लिए काउंसलिंग के लिए अलग अलग से एक दिन दिया जाए। दरअसल सामाजिक विज्ञान में अभ्यर्थियों की संख्या अन्य विषयों की तुलना में कई गुना अधिक होती है। प्राथमिक निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने आश्वस्त किया कि विभाग इस संदर्भ में सकारात्मक तौर पर विचार करेगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि नगर और प्रखंड स्तर पर अलग अलग तिथि पर काउंसलिंग कराई जाएगी। प्राथमिक निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से पारदर्शिता पर जोर देने के लिए कहा। साफ किया कि अगर किसी भी नियोजन इकाई या अभ्यर्थी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं कि उसमें किसी तरह की गड़बड़ी की है तो वहां काउंसलिंग रद्द करें, जरूरत लगे तो संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराएं। साथ ही शिक्षा विभाग की रणनीति है कि दूसरे राउंड की 2 अगस्त से हो रही काउंसलिंग में सबसे पहले वर्ग 6 से 8 की काउंसलिंग जो है वो कराई जाएगी, ताकि अधिकतम मेधा अंक वाले पहले सेलेक्ट हो जाए। इसके बाद सामान्य मेरिट वाले अभ्यर्थी की काउंसलिंग होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में अपने ऑफिशियल राय जाहिर की। दरअसल छठे चरण के दूसरे राउंड के लिए काउंसलिंग का संशोधित शेड्यूल आने जा रहा है।